हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3.7 ऑफ NBHM MSC 2016 एग्जाम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस S रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन, और आपको जो सेट S दिया गया है वो दिया गया है एक्स वाई सच दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो फ्रेंड्स, हम एक रिजल्ट जानते हैं कि आपका ये जो इक्वेशन है, सबसे पहली बात तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास हो रही है। अगर इसके अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका ग्रेटर देन जीरो होता है तभी आपको डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो के इक्वल हो गया तो आपको सेम स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, मतलब पेयर ऑफ सेम स्ट्रेट लाइंस। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो हो गया तब आपको इमेजनरी स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, अब जो हमारा केस नंबर ए है उसके अंदर आपको h बराबर माइनस वन दिया है और आपको a और b की वैल्यू 5 दी हुई है। तो यहाँ पर h स्क्वायर माइनस ए बी किसके इक्वल होगा, h स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, ए बी 25 के इक्वल हो गया। तो h स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो गया, माइनस 24, तो ये लेस देन जीरो है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेंगी। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ए और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3, और एच की वैल्यू दी हुई है 4। अब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी, एच स्क्वायर होगा 16, ए इन टू बी होगा 9। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या आ गया, 7, विच इज़ ग्रेटर देन 0। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में हमें डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगी। अब देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के अंदर फ्रेंड्स आपको ए की वैल्यू 1 दी हुई है और बी की वैल्यू 4 दी हुई है और एच की वैल्यू 2 दी हुई है। तो यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4 यानी कि 4 माइनस 4 यानी कि 0। तो यहाँ पर आपको सेम स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो आपका केवल ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।